इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये वासी गांव का इलाका है और आप देख सकते हैं ये पूना और मुंबई हाईवे है, जिस रोड पर हर समय एक दिन में तकरीबन कई लाख गाड़ियां आती जाती हैं। आप खुद भी इसका नज़ारा देख सकते हैं। ये वो मुंबई पुणे हाईवे है जहां पर अक्सर भारी वाहनों का, बसों का और गाड़ियों का चिल्लपोल निरंतर चलता रहता है और इसी मुंबई शाइन हाईवे के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है ये वासी गांव का इलाका। ये पूरा का पूरा सेक्टर 6 का इलाका है जो मेरे पीछे बिल्कुल दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो वो इलाका है जो बेहद ही रिहायशी है और यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने से, इस हाईवे पर गाड़ियों के लगातार निरंतर आवागमन से जो उसका साउंड होता है, जो उसका ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके वजह से यहाँ के सारे जो रहवासी हैं बड़े बहुत दिनों से तकलीफ झेल रहे हैं और इस तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ 2012 से साउंड बैरियर की मांग की जा रही थी, जैसे मुंबई के दूसरे ठिकानों पर साउंड बैरियर्स लगे हैं ताकि यहाँ के जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर इन वाहनों का चिल्लपों और उसका ध्वनि प्रदूषण का असर जो है ना पड़े। जैसा कि स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रहवासी जो लोग हैं उनमें से बुजुर्ग हैं, कई बीमार लोग हैं और ऐसे में इस हाईवे के किनारे उनका घर होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर मरीजों को ज़्यादा दिक्कत होती है, बुजुर्ग लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो अपना घर नहीं बदल सकते, ये अपने उनके परमानेंट आवास पे रहते हैं और इसलिए इसके समाधान के तौर पर साउंड बैरियर ही एकमात्र विकल्प बचा था और इसीलिए लगातार इसकी मांग की जा रही थी। यहाँ के वासी क्षेत्र के जो वरिष्ठ नगर सेवक रहे हैं, शिवसेना के सीनियर लीडर विठल मोरे साहब, लगातार 2012 से इसकी मांग कर रहे थे कि जो वासी का ये प्रमुख रहवासी इलाका है यहाँ पर साउंड बैरियर लगाया जाए ताकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। अब जाकर इसके समाधान का रास्ता निकला हुआ है और हालिया जो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी ठाकरे और तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उनको जो खत दिया गया था, स्वयं विठल मोरे जी ने खत दिया था और उनके जो सुपुत्र हैं विभाग प्रमुख है शिवसेना के, उन्होंने निवेदन दिया था कि यहाँ के लाखों रहवासियों की इस मुसीबत का समाधान निकाला जाए और उसके बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस वासी इलाके के जो 300 मीटर के आसपास का जो इलाका है, ये जो रहवासी इलाका है वहाँ पर साउंड बैरियर बनाने के लिए मंजूरी दी। 100% जो पूरा का पूरा खर्च है वो भी राज्य सरकार वहन कर रही है, महानगर पालिका के माध्यम से सिर्फ निगरानी और इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा समाधान का ये रास्ता निकला हुआ है और इसके लिए जिस तरह से पहल की गई शिवसेना के जिला प्रमुख विठल मोरे साहब और विभाग प्रमुख अवधूत मोरे जी, दोनों ने लगातार इसके लिए पहल की, पत्र व्यवहार किया और उसके बाद तमाम फॉलोअप के बाद ये निर्णय हुआ है और आज इसका आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है सीनियर सिटीजन है उनकी मौजूदगी में उनके हाथों से इसका शिलान्यास हुआ है इस साउंड बैरियर का। आप यहाँ पर यह बोर्ड भी दे सकते हैं कि महाराष्ट्र शासन के विकास निधि के जरिए इसकी स्थापना होने वाली है, साउंड बैरियर बनाया जाना है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं विठल मोरे साहब मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ के स्थानीय रहवासियों की मुसीबत को दूर करने के लिए यहाँ साउंड बैरियर बनाने की मांग की थी। तो हम उन्हीं से जानना चाहते कि कितनी बड़ी मुसीबत थी ये जिसको लेकर आप लगातार पहल करते हैं। आपने सही वर्ड यूज किया, पिछले 30-35 साल से इस इलाके के लोगों को ये हाईवे की जो साउंड आवाज़ है रात दिन 24 घंटा जो उनको बर्दाश्त करनी पड़ती थी उससे वो बहुत परेशान थे। मुझे 2010 से लेके, मतलब मैं यहाँ पर 20 साल कॉरपोरेटर था लेकिन वो 2010 से मेरे पीछे थे। मैंने 2012 में इसके लिए मांग की कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के पास लेकिन उस वक्त फंड अवेलेबल नहीं हुआ। मैं इसके बीच में पिछले 5 साल मैं नगर सेवक नहीं था लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 2019 को जब शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने और जो हमारे नगर विकास मंत्री UDK मिनिस्टर हमारे श्री एकनाथ शिंदे साहब बने, आज वो चीफ मिनिस्टर है। उनसे मुझे उन्होंने एक बताया कि आपको 1 करोड़ का निधि सैंक्शन हो रहा है, आप काम किस काम का सुझाव दो। तो मैंने
वो मौका लेके ये जो 300-350 मीटर की लंबाई की यहाँ पर जो साउंड बैरियर की जरूरत है वो जरूरी का मैंने प्रपोजल भेज दिया और वो उन्होंने तुरंत मंजूर किया। फिर उसकी जो प्रोसीजर नवी मुंबई कमिश्नर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने रीजनल रीजनल डिविजनल कमिश्नर कोंकण रीजन इनका सैंक्शन लेके टेंडरिंग होने के बाद आज इसका यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। कई सीनियर सिटीजन यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि इस तरह का काम जो हम पिछले 10-15 साल से जिसकी मांग कर रहे थे और आज पूरा हुआ, उन्होंने बहुत आनंद व्यक्त किया। बहुत ये 15 सालों से तकरीबन ये मांग चल रही थी। मैं आपको याद दिला दूं 29 दिसंबर 2021 को पहली बार इसके सैंक्शन की तैयारी थी और अवधूत मोरे जी ने उसके लिए खत जो दिया था। उसके बाद 21 जनवरी 2022 को इसके लिए 1 करोड़ की निधि मंजूर हुई और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि इसका पूरा खर्च जो है महानगर पालिका की बजाय पहले 75% और 25% के हिसाब से इस साउंड बैरियर का काम होना था, लेकिन अब 100% काम जो मुख्यमंत्री के निधि से हुई होने वाली है और जिस निधि को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मंजूर किया था। अवधूत जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मुसीबत को दूर करने में कितनी कठिनाई थी, क्योंकि तमाम तरह के सवाल थे कि ये होगा कि नहीं होगा, मुसीबत बड़ी थी लेकिन समाधान बेहद जरूरी था। नहीं, बहुत खुशी की बात है आज कि ये साउंड बैरियर का काम आज शुरू हुआ है। मतलब बहुत सालों से ये इधर के लोगों की काफ़ी मांग थी ये, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया में काफ़ी सब सीनियर सिटीजन बहुत बड़े पैमाने पे है और ये जो हाईवे का एक्सटेंशन हुआ है वो और उनके घरों के नज़दीक आया, तो उसके वजह से उनको आप देखेंगे तो कानों की बीमारी भी हो गई है कोई काफ़ी लोगों को, तो ये दिक्कत बार बार और कंप्लेंट हमें बार बार आ रही थी। लेकिन एक सही मौका आया कि उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जिला प्रमुख करके विट्ठल मोरे साहब को पूछा कि मतलब उनको दिया कि आपके लिए 1 करोड़ का फंड सैंक्शन कर रहे हैं, आप आपके विभाग में कौन सा काम जरूरी हो आप बताइए, तो उन्होंने ये काम जरूरी समझा और ये एक्चुअल में ये इधर के एरिया की गरज थी और काफ़ी इसमें बाद में लाइसेंसिंग वगैरह की तकलीफ थी जो उन्होंने खुद फॉलोअप किया और आज बहुत खुशी की बात है कि आज ये काम हो रहा है। आप लगातार आप दोनों इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है कि ये काम मेरी पहल से हो रहा है, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी कि काम मेहनत कोई और करे और जब क्रेडिट लेने का समय आए तो कोई और लेना चाहता? सर देखिए, यहाँ की नागरिक जो है वो शून्य है, उन्हें सब असली बात मालूम है कौन इसका फॉलोअप कर रहा था, कौन आके मेजरमेंट ले रहा था, किसके साथ इंजीनियर्स आए थे, वो किसने टेप पकड़ा था, ये सब लोगों ने सामने देखा है। तो इसके लिए ये जनता को बताने की मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है और ये पत्र व्यवहार सब मेरे और पिताजी के मतलब विट्ठल मोरे इनके हाथ से ही हुआ और जो सैंक्शन होना था आज भी आप हम लेटर्स देखेंगे तो शासन ने इनको जो सुधारना करनी थी उसके लिए भी विट्ठल मोरे साहब को ही वो लेटर उनसे ही मांग की थी। तो इसका मतलब है ये महाराष्ट्र शासन का फंड है और इसमें महापालिका का कोई फंड नहीं है, तो ये कोई क्रेडिट लेना चाहता है वो उसने सोचे लोगों को क्या जवाब देंगे। अब मोरे साहब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये काम लगभग कितने दिनों में पूरा होने वाला है, क्योंकि अभी इसका आपने शिलान्यास कर दिया, शुरुआत हो गई, कॉन्ट्रैक्टर भी काम शुरू कर रहे हैं, कितने दिनों में ये यहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए साउंड बैरियर बनकर तैयार हो जाएगा? मैं समझता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है उसके मुताबिक 2 या 3 महीने में ये काम पूरा होना चाहिए और होने में कोई दिक्कत है नहीं, ये काम तो सीधा है, स्ट्रेट है, फंड सैंक्शन है, टेंडर हुआ है और उनको वर्क ऑर्डर मिली और आज मैं खुद हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर श्री अभिजीत जी भांगर साहब उनको भी मिला, उन्होंने बोला भाई हमारे तरफ से जो करना है उसकी पूरी पूर्तता दी की है देखिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने मिस्टर नार्वेकर साहब और यहाँ के हमारे रीजनल कमिश्नर उन्होंने भी सैंक्शन दिया है, तो कोई दिक्कत रही नहीं, टेंडरिंग हुआ है, टेंडर फाइनल हुआ और उसको वर्क ऑर्डर दिया गया है और आज यहाँ पर आपके सामने उद्घाटन भी हुआ है, तो मुझे लगता है
इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत जल्द इसका काम पूरा होगा, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है उसके हिसाब से 3 से 4 महीने के अंदर यहाँ पर वासी हाईवे पर जहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत है वहां पर साउंड बैरियर बन जाएगा और यहाँ के स्थानीय रहवासियों को इस ध्वनि प्रदूषण से निजात मिल जाएगी। और अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि 3 से 4 महीनों में जब यहाँ पर वो साउंड बैरियर तैयार हो जाएगा, पार्श्विक वाल तैयार हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इस 300 मीटर के दायरे में जो वासी के रहवासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं और जिनको ये मुसीबत है ध्वनि प्रदूषण का, निश्चित तौर पर उसे निजात पा जाएंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।